शादियों में जितना कम खर्चा करो उतना ही अच्छा, क्योंकि आजकल की शादी पता नहीं कितने दिन टिकेंगी। पहले कहते थे डोली में जा रही है, अपने भैया का अपने बाप का सर ऊंचा रखियो, वहां कोई ना भी कहे तो भी फोन कर देती है, पापा तैयार रहना। घर चलाने के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। बड़ी बहुत बड़ी मुसीबत है मम्मी, जितनी भी मम्मियां बैठी हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपनी बेटियों का घर बसने दो। सिखाना है तो शादी से पहले सिखा के भेजो उसे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माँ को और पत्नी को दोनों को साथ लेके चले, छोड़े किसी को भी ना। गुस्से में वही बात समझाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। सभी बच्चों से निवेदन है सहनशील होइए प्लीज। वैसे एक और सलाह दे दूं मैं आपको, शादियों में जितना कम खर्चा करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल की शादी पता नहीं कितने दिन टिकेंगी। हंस के मटा लिए, पहले तो गारंटी होती थी हमारे यहां से, पहले मम्मी पापा क्या सिखाते थे, डोली में जा रही है आगे मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो उस पर भी दो चार वीडियो बना देंगे निकम्मे कुछ लोग, है ना, तैयार बैठे रहते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। पहले कहते थे डोली में जा रही है, अपने भैया का अपने बाप का सर ऊंचा रखियो, है ना। आजकल तो और ही कुछ सिखाते हैं, तू जा और कोई कुछ कहे बस फोन कर दियो। अब इतनी हिम्मत लेके बेटी जाती है घर से कि वहां कोई ना भी कहे तो भी फोन कर देती है, पापा तैयार रहना। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, पर आप तैयार रहना। किसके लिए तैयार रहूं, अरे जब कोई कुछ नहीं कह रहा है तो आराम से घर बसाना। बहन बेटियों से एक निवेदन जरूर करूंगा, घर चलाने के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है, और अपने ससुराल की छोटी छोटी बातों को मायके में तो बिल्कुल मत करो, स्पेशली मम्मी को तो बिल्कुल भी मत करना। ये मम्मी जो है बड़ी बड़ी बहुत बड़ी मुसीबत है मम्मी, छोटी छोटी बातों को भी बड़ा कर देती है मम्मी। मम्मी का भी कसूर नहीं है, मम्मी उतना प्रेम करती है अपनी बेटी से, ऐसा नहीं कर रही तेरी सास नहीं कर रही तो तू कह दे अपने आप बना ले, अलग रहूंगी मैं तो। जितनी भी मम्मियां बैठी हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपनी बेटियों का घर बसने दो। उजाड़ने वालों में अपना नाम मत लो, छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करने दो उसे, तभी वो पूर्ण रूपेण गृहिणी बनेगी। सिखाना है तो शादी से पहले सिखा के भेजो उसे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और लड़कों से भी निवेदन है, सिर्फ लड़कियां ही सहनशील ना हो, लड़कों को भी सहनशील होना चाहिए। सच्चा पति, सच्चा बेटा, सच्चा गृहस्थी उसी को कहते हैं जो पत्नी और मां के बीच में सामंजस्य बैठा ले, वही सच्चा गृहस्थी है। और इतनी बुद्धि बेटे में होनी चाहिए, पति में होनी चाहिए। मां को और पत्नी को दोनों को साथ लेके चले, छोड़े किसी को भी ना। छोड़ दिया तो तुम कायर हो, तुम उस लायक नहीं हो। तुम अच्छे जिसको कहते ना, तुम नहीं बन सके, ना अच्छे हस्बैंड बन सके, ना अच्छे पुत्र बन सके। किसी को छोड़ना नहीं है, दोनों को साथ में लेके रखना। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेंसियर होना, सहनशील होना। सहनशील होना दोनों को जरूरी है, पति पत्नी दोनों को। और एक बात मैं सिखा दूं तो अच्छी रहेगी आप सबको घर चलाने में, एक गुस्सा करे तो दूसरा ना करे सेम टाइम। पत्नी गुस्सा हो रही हो तो पति चुप रहे 10-15-20 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा वो कर भी नहीं सकती गुस्सा, अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। ऊपर से जब गुस्सा कर रही हो तो थोड़ा एक पानी का गिलास भी लाके, ओ बबली ले पी ले, कोई नहीं रिलैक्स। और पति जब गुस्सा कर रहा हो तो देवी को उस समय कुछ नहीं बोलना चाहिए, देवी को पूछना भी नहीं। आपको तो पता ही आपके पति को सबसे ज्यादा पसंद क्या है, भोजन में वही बना डालो, गुस्सा नहीं होना वही बनाओ। ए पप्पू के पापा,
चलो गुस्सा थूक दो, आओ भोजन कर। और जब आप गुस्से में उन्हें जवाब नहीं देंगे तो निश्चित वो आपकी कदर करना शुरू कर देगा, निश्चित कि कितनी सिंसियर है। बाद में सुना लेना दो चार बात, ऐसे आपने कहा ना वो गलत है, वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था। लेकिन जब शांत हो जाएगा गुस्सा तब समझाओगे तो बात समझ में आ जाएगी, गुस्से में वही बात समझाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। देखो मैं कितना परफेक्ट गृहस्थी होता जा रहा हूं दिन पे दिन। अब इन बातों को कोई गृहस्थी कह सकता है? और हम आज के बच्चे सेंसिल नहीं हो रहे इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। सभी बच्चों से निवेदन है सेंसिल होइए प्लीज, गुस्सा कम कीजिए प्लीज। और घर में जैसे मायके में रहते हो वैसे ससुराल में नहीं रह पाओगे आप, वहां आपकी मां काम करती है, यहां आपको करना पड़ेगा। शादी होने के बाद बेटा भी वैसे नहीं रह सकता, जब तक अनमैरिड हो तब तक ठीक है, जब मैरिड हो तो तुम्हें काम करना चाहिए। अगर तुम काम नहीं करोगे तो न तुम्हारी मां तुम्हें स्वीकार कर पाएगी और न तुम्हारी पत्नी तुम्हें स्वीकार कर पाएगी और ना ही तुम्हारे प्रिय फादर, कोई नहीं। शादी के बाद तो तुम काम करते ही अच्छे लगोगे, बोलो राधे राधे जोर से।